मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ मेरा जे राधा रानी मेरो मन लाग्यो Thank you.
ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुत्थितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवतै नमो नमः। तमानि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं स्मृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितिला प्रदुष्ट विष्णु पादोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितिला प्रदुष्ट विष्णु पादोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, कुछ याद है? कल हम लोग ने क्या सुना, किसको याद है? हाँ, और क्या सुना? लास्ट में क्या सुना बोलो? हरे कृष्ण। तुम लोग कोई काम की नहीं है सर। हाँ, इसलिए सही टॉपिक पर आनी चाहिए। हाँ, हम जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, हरी कथा बोल रहे हैं, वो शुभ कथा को बोलनी चाहिए। कथा तो बहुत हुई है, इसलिए लास्ट जहाँ पर जा करके बंद हुआ उसी विषय पर बोलनी चाहिए। इसलिए अभी श्री नारद जी कहाँ पर पहुँचे? श्री प्रह्लाद महाराज को पास में। बोले प्रह्लाद, तेरे जैसे जगत में भगवान की इतना प्रिय भक्त कोई नहीं। इसलिए नारद जी जब कीर्तन करते 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 कहते सुतल लोक में पहुँचे। सुतल लोक में देखा श्री प्रह्लाद महाराज, कहते नौ तरह का भक्ति है। कहते नौ तरह का भक्ति में प्रह्लाद का कौन सा भक्ति है बोलो? प्रह्लाद महाराज का जो नौ तरह का भक्ति में प्रह्लाद का भक्ति कौन सा भक्ति है? स्मरण भक्ति है। इनकी भक्ति स्मरणा के भक्ति है। इसलिए जब वहाँ पर पहुँचे देखा श्री प्रह्लाद महाराज एकदम भगवान के ध्यान में एकदम तन्मय हुए और भगवान के स्मरण कर रहे थे और भगवान के स्मरण करते हुए आँखों से आंसुओं की झरी बह रही थी और उनका शरीर में पुलकित हो रहा था, प्रेम में गदगद हो रही थी श्री प्रह्लाद महाराज। इतने में श्री नारद जी जब वहाँ पर गए, वहाँ पर जा करके नारद जी जाते ही, नारद जी कौन? प्रह्लाद का गुरुदेव, प्रह्लाद उनका शिष्य है और नारद जी उनकी गुरुदेव। क्या नियम है? अगर गुरुदेव अगर गुरु जी को शिष्यों के पास में पहुँचे, शिष्य का क्या कर्तव्य है? पहले खड़े होकर के उनको प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें। ये पहला सबसे नियम ये है, पहले गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए। इतने में जब श्री, हर समय शिष्य कहाँ जाता है? गुरु जी के पास में। लेकिन आज गुरुदेव किसको पास में आए? बोले शिष्यों के पास में। कारण क्या है? शिष्य की इतने भक्ति, उसकी भक्ति इतने दृढ़ भक्ति है,
जो गुरुदेव को भी खींच करके लेकर के आ गए। और गुरु जी को देखते ही प्रहलाद जी प्रेम में गदगद हो गए। क्यों? जब जीवन में गुरु दर्शन हो जाए, कहते गुरु, गुरु मतलब क्या, गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है आलोक। हमारे हृदय में जो दिव्य आलोक को जो जगा दे और अंधकार को जो दूर कर दे, कहती है गुरु जी का काम है। इसलिए उन्होंने श्री गुरु जी को देखते ही उन्होंने बोला, मेरा अहोभाग्य है आज श्री गुरु जी का दर्शन हुआ है। इसलिए उन्होंने गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया और गुरु जी को आसन दे करके बैठा है। जब आसन दे करके बैठा है और गुरु जी की पूजा की, चरण में फूल प्रदान की, गुरु जी की आरती उतारी। नियम क्या है? गुरु जी की आरती उतारनी चाहिए, आसन दे करके बैठानी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी आ गए हम खड़े हैं, नहीं, गुरु जी आने पर उनकी स्वागत करनी चाहिए गुरु जी को। इसलिए उन्होंने गुरु जी को स्वागत किया और श्री नारद जी को आसन दे करके बैठाए और बैठा करके फिर तो उन्होंने श्री प्रहलाद की जब खूब गुणगान गाए। हम कल जो श्रवण कर रहे थे, बोले प्रहलाद तू इतने भगवान के प्यारे हो, इतने प्यारे हैं। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हम कहते हैं ना सब जगह में, इसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। कहते तो है कण कण में भगवान है, लेकिन इसको प्रमाणित तो किसने कर दिया? ये प्रहलाद ने कर दिया है, ये प्रहलाद ने कर दिया। इसलिए जिस समय भगवान श्री रामचंद्र अहल्या को उद्धार करने के लिए गए, तब विश्वामित्र जी बोले, बेटा ये पत्थर को तुम स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो। इतने में भगवान राम तो एकदम प्रस्तंभित हो गए। बोले स्तंभित क्यों हो गए? बोले बहुत बड़ा परीक्षा है। बोले क्या है? बोले भक्त तो पास हो गया, पत्थर से भक्त मूर्ख प्रकट कर दिया। जब हिरण्यकश्यप बोले तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ तो मेरे भगवान कहाँ नहीं, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है। और उन्होंने मुष्टिकाघात प्रहार किया तो खंभा फाड़ करके श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले भक्त तो पास हो गया, पत्थर से मेरे को प्रकट कर दिया, अभी मेरे परीक्षा है पत्थर से भक्तों को प्रकट करना। भक्तों को पत्थर से भक्तों को प्रकट करना, राम तो स्तंभित तो हो गए। लेकिन जब उन्होंने पत्थर को स्पर्श किया, माँ अहल्या की सख्यात माँ अहल्या वहाँ पर प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन इसको प्रमाणित तो किसने किया? बोले प्रहलाद महाराज ने इसको प्रमाणित कर दिया। और भगवान इसको ऊपर में इतने प्रसन्न हुए हैं। इनकी परंपरा में, वंश में कोई भी आए, भगवान बोले मैं किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि तू जैसे भक्त, जिस वंश में तेरे जैसे भक्त हुआ। इसलिए बाणासुर ने, हम पहले सुन रहे थे ना, बाणासुर ने बड़ा अपराध किया, कृष्ण का बच्चे को तो बंदी बना दिए। फिर भगवान कृष्ण को साथ में लड़ाई, उन्होंने युद्ध किया, लेकिन युद्ध करने पर भी भगवान उसको सारे हाथ तक काट दिए, लेकिन दो हाथ छोड़ दिए, उसको मारे ही नहीं। बोले क्यों? बोले ये मेरे प्रहलाद का वंशधर है, ये प्रहलाद के वंश में आए और इनकी भक्ति में इतने वशीभूत भगवान हो गए। इनके वंश में श्री बलि महाराज आए। कौन आए? बलि महाराज आए। बलि महाराज का भक्ति में ये इतने संतुष्ट है, लास्ट में जिनके दरबान बन गए। बोले तुमको क्या वर चाहिए? बोले प्रभु एक वर दो, जब मैं घर से निकलूंगा ना आपका दर्शन करते हुए निकलूँ, और घर में जब प्रवेश करूंगा आपका दर्शन करते हुए मैं घर में प्रवेश करूँ। भगवान तथास्तु बोल दिए, इसका मतलब भगवान दरबान बन गए। दरवाजे पर ठाकुर जी बैठे रहते हैं, ठाकुर जी दरवाजा पर बैठे रहते ठाकुर जी हर समय। इसलिए इनकी भक्ति में इतने प्रसन्नता, केवल प्रहलाद महाराज के लिए ठाकुर जी इतना सब कुछ उन्होंने किया है। इसलिए तब श्री, जब उन्होंने प्रहलाद महाराज की बड़ी उन्होंने महिमा बताए, बोले आप जैसे जगत में भक्त कोई हो ही नहीं सकते हैं, आप भगवान के सबसे प्रिय भक्त आप हो। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। जब उन्होंने प्रहलाद महाराज की खूब जय जयकार किया, इतने में श्री प्रहलाद महाराज अपना अंदर में कमी किया, ये चीज को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। बोले देखो आप तो कह रहे हो मैं भगवान के सबसे प्रिय भक्त हूँ, क्योंकि भगवान मेरे को दर्शन दिए और भगवान मेरे को इतने क्रोधित थे ठाकुर जी, जो ब्रह्मा भी खुश नहीं कर पाए, शंकर भी नहीं,
लक्ष्मी भी नहीं, किसने प्रसन्न कर दिया? प्रहलाद ने प्रसन्न कर दिया। आते ही प्रहलाद को गोद में बैठकर चाटने लगे, नरसिंहदेव उनका चाटने लग गए, हैं बोले प्रहलाद मेरे अपराध को माफ कर देना। कौन कह रहे? भगवान भक्तों को कह रहे मेरे अपराध को माफ करना। बोले क्यों? बोले मेरे वजह से तेरे को इतना कष्ट भोगना पड़ा है। क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ा? चूंकि तू मेरा भजन करता था, इसलिए तेरे को इतने कष्ट भोगना पड़ा। कैसे कैसे कष्ट है? उसको हाथी को प्यार को नीचे उनको पटक दिया, बोले उसको प्यार को नीचे कुचाल दे उसको। ये मेरे वंश में हरि ने इसको निमित्त करके मेरे को बध करने के लिए प्रहलाद रूप में आए हैं, इसलिए हाथी को प्यार नीचे। फिर जब मरा नहीं, इसको बाद में फिर सर्प को सामने फेंक दिया, लेकिन सर्प भी प्रणाम कर लिया उसको। उसको बाद में फिर उसको ऊपर अभिचार मतलब तंत्र मंत्र प्रयोग किया, कैसे ये मर जाए। लेकिन ये तंत्र मंत्र भी कोई काम नहीं किया। जब तंत्र मंत्र नहीं, फिर उसको पहाड़ के ऊपर मिले गए, पहाड़ को ऊपर से उसको फेंक दिया। और ठाकुर जी उसको गोद में गोद में पकड़ लिए। जब फिर मरा नहीं, फिर उसको माया कहते माया गर्भ में उसको छोड़ दिए, तभी मरा नहीं। फिर जब मरा नहीं, बोले इसको खाना पीना बंद कर दो, खाना पीना उसको काल कोठरी में बंद कर दिए, बोले खाना पीना बंद कर दो, सड़ 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 करके अपने आप खत्म हो जाएगा। कहते जब वैकुंठ में माँ लक्ष्मी ठाकुर जी के लिए जब 56 भोग 36 व्यंजन लेकर के आई, ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी मेरे भक्त भूखा है, मैं खुद प्रतिज्ञा किया। क्या भगवान क्या प्रतिज्ञा है? अन्य चिंतित माम जे जनाहा पर जो पासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम जोगाध्ययम भाम्यम। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, जो अनन रूप में मेरे भजन करता है उसका सब दायित्व मैं लेता हूँ। ठाकुर जी बोले उसको घर में जो चीज नहीं होगा मैं सर पर रख कर घर में पहुँचाता हूँ, घर में जो चीज होगा मैं स्वयं एक दरबान बन करके रखवाल करता हूँ, और मेरे भक्त काल कोठरी में बंद है, भूखा है, मैं कैसे भोजन करूँ? चलो हम दोनों उसको भोजन करा के आते हैं। ठाकुर जी वैकुंठ से आते हैं और माँ लक्ष्मी अपना हाथों से जो बढ़िया खाना बनाती हैं और प्रहलाद को खिला करके जाते हैं। जब कुछ दिन महीना बीत गया, बोले अभी खोलो, ये तो सड़ गल कर खत्म हो जाएगा हैं। लेकिन जब खोले ना और मोटा बन करके निकला, बोले ये मोटा कैसे? तो इसको तो खाना पीना दिया ही नहीं, इसलिए जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर होई हैं, इसलिए उसको ये कर दिए। उसको बाद में उसको फिर 20 दान दिया जहर, लेकिन ये तो बिना भगवान के भोग लगाए कुछ खाता ही नहीं, बल ठाकुर को अर्पण कर किया तो बांस को प्याला बन गया, अमृत बन गया, उसको भी उन्होंने पान कर दिया। फिर जब मरा ही नहीं, फिर बर्फ हैं, उसको फिर बर्फ को अंदर में बंद कर दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जब ये भी नहीं हुआ, उसको फिर पत्थर बांध करके फिर पानी को अंदर में समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जो पत्थर है ना वो भी तैरने लग गया। जब किसी तरह से मरा ही नहीं, उसका बहन थी जिसका नाम थी होलिका। एक दिन होलिका आई, देखा भैया बड़ा परेशानी, बोले भैया तू इतने परेशानी क्यों? बोले क्या बताऊं, ये प्रहलाद इतना छोटा बच्चा 5 साल का है और मेरे शत्रु का ये भजन करता है, और उसको मारने के लिए मैंने सारे प्रचेष्टा कर दिया, लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। बोले भैया चिंता मत करो, ब्रह्मा जी मेरे को वरदान दिया है, हैं ये अग्नि मेरे को स्पर्श नहीं करके चिता से जाओ, और चिता में बैठ करके उसको मैं गोद में बैठ जाऊंगी और आग लगा देना। ए जब आग लगा है ना, चीख उठा बचाओ बचाओ बचाओ, हिरण्यकशिपु खत्म, मेरे शत्रु खत्म हो गया। लेकिन जब आग बुझ गया ना, देखा प्रहलाद तो बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा मैं हरि गोविंद
होलिका तो जल कर खत्म हो गई और प्रहलाद जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहा है, हैं? उसको कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को, इसलिए उन्होंने अग्नि भी और उसको बाद में जब किसी तरह से उसको मारा नहीं, इतने में उसका जो दो गुरु थे संधा और अमर, क्या नाम था? संधा अमर का मतलब क्या? संधा मतलब सांड है और कहते अमर का मतलब है बंदर। कहते जो गुरुदेव उनका शिष्य दोनों को पढ़ाया करते थे लेकिन भक्ति नहीं पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? कैसे अर्थ कमाओगे, कैसे घर गृहस्थी करोगे, कैसे राज्य पालन करोगे, धर्म अर्थ काम राज्य दंड भेद कूट नीति ऐसे पढ़ाया करते थे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो गुरुदेव हैं भगवान की भक्ति की बारे में नहीं पढ़ा करके, केवल पैसा कैसे कमाओगे, घर गृहस्थी केवल कैसे करोगे, केवल यही विषय पर जो पढ़ाते हैं ना, कहते वो टीचर नहीं, वो मास्टर नहीं, वो सब सांड है और वो सब के सब ये बंदर है, हैं? कहते ये सब के सब बंदर और ये सब के सब सांड है। इसलिए उनका नाम गुरु है ना। गुरु मतलब क्या है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब आलोक है, इसलिए हम कहते हैं अक्षर। कहते ना अक्षर, अक्षर मतलब क्या? अ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, जिसका विनाश नहीं उसको कहते विद्या। कहते ना विद्या, विद्या मतलब क्या? बीत मतलब जानना, बोले किसको? बोले भगवान को जानना है भगवान को। इसलिए आप देखना, आप लोग पढ़े हुए स्कूल में देखना, स्कूल में सब टीचर लोग, हम जो छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे अंदर में भक्ति की भावना कैसे कैसे आई। हमारे स्कूल में जो टीचर थे ना, वाल्मीकि कथा सुनाते थे, हैं? कैसे वाल्मीकि बैठ कर राम 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 राम, हमारा भी इच्छा करता था हम भी राम राम नाम जप कर, क्योंकि गुरुदेव यही सुनाते थे। इसलिए एक समय हमारे गुरुदेव, हमारे जो टीचर ने प्रहलाद की कथा सुनाई, पहले तो यही कथा होती थी स्कूल में, रामायण भागवत ऐसे 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 कथा सुनाते थे सब। अभी जब उसको गुरुदेव ने उसको जब पूछा, हिरण्यकशिपु तेरे भगवान कहाँ? बोले सब जगह मेरे भगवान, ये लता पता पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा में। अब गुरुदेव जो सिखाएगा, टीचर तो वही सिखाएंगे ना। मैं जब घर में आया ना, बोले मैया ये खंभे में भी ठाकुर जी है, मैया ये घास में भी ठाकुर जी, मैया के गुरुदेव ने पढ़ाए, मास्टर जो पढ़ाएगा तो बच्चे ही सीखेंगे ना। इसलिए बच्चों के अंदर में पहले ये संस्कार क्यों पड़ता था? कारण है टीचर ही यही सब भगवान की कथा सुनाते थे, लेकिन अभी टीचर ऐसे कथा नहीं सुनाते, उल्टा पुल्टा पता नहीं सारा दुनियादारी की बात सुनाते हैं। इसलिए बच्चों को अपने ऊपर में कोई संस्कार नहीं बढ़ती है। टीचर पहले ही से पढ़ाया करते थे हमारे टीचर, इसलिए उनको कथा सुन सुनकर हमारे अंदर में भगवान के प्रति भावना आया है, ठाकुर जी का प्रति भावना आई ठाकुर जी का प्रति। इसलिए उसका नाम संधा और अमरक। इतने में बोले हिरण्यकश्यप को समझा, बोले कोई चिंता मत करो, अरे 5 साल का छोटा बच्चा है, कैसे कच्चा मिट्टी होता है ना, कच्चा मिट्टी को जैसे जिधर जैसे बनाना चाहो वैसे बन जाती है। बोले चिंता मत करो, बड़े गुरुजी आ जाए। बड़े गुरुजी कौन? बोले शुक्राचार्य, ये शुक्र का आचार्य है, इसलिए शुक्राचार्य आ जाए ना, ये समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अभी फिर स्कूल में डाल दिए, स्कूल में डाल दिए तो फिर रिसेस होता ना, खल छुट्टी होता है बीच में, बच्चे लोग तो भागने लग गए खेलने के लिए। प्रहलाद ने कहा बच्चों आ जाओ आज नया खेल खेलेंगे। खुश हो गए भैया कौन सा नया खेल है। प्रहलाद बीच में बैठ गया और चारों तरफ में बच्चे बैठ गए, बोले आज हम भगवान की कीर्तन करेंगे। बोले ताली बजा करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आज हम ठाकुर का कीर्तन करेंगे। बच्चों ने पूछा प्रहलाद क्या कह रहे हो, अभी से क्या भगवान की भजन अभी से क्या करेंगे, हैं? हमने सुना ये रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, अभी से भजन के लिए तू क्या कह रहे हो, ये कोई उम्र भजन करने का? इतने में जब उन्होंने ये बात बताए, फिर उन्होंने उनको एक श्लोक बताया। ये श्लोक को हो सके तो सब याद कर लेना, बच्चे लोग सब श्लोक याद कर लेना। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। कौन सा श्लोक है? कौमार आचरते प्राज्ञ, याद है तुमको? तो फिर ये श्लोक तुमको याद है? किसको किसको याद है? अकेला बच्चे तुमको याद है? हाँ बोला क्या श्लोक है? इस श्लोक को विशेष करके बच्चे लोग याद करना, ठीक है ना। इसलिए कहते कौमार आचरते प्राज्ञम भागवत धर्मान भागवत निह दुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बच्चे सब याद कर लेना, ठीक है। कल ये श्लोक तुम लोगों से सुनेंगे, बच्चों से सुनेंगे।
इसलिए देखो कितने महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुमको याद है? याद है तब है, इतने बूढ़े हो गए तुम। इसलिए इसलिए कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम है। इसलिए प्राज्ञम मतलब होता है जो प्रकृष्ट रूप में ज्ञानी, जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? कौमार, कौमार मतलब कुमार अवस्था, कुमार मतलब 5 साल उम्र से ही ये भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं। कितना साल उम्र से? इसलिए प्रहलाद कितने उम्र से भजन किया? 5 साल। ध्रुव महाराज 5 साल, मीरा ने 5 साल, हनुमान जी वो तो जन्म से ही भक्ति, वो जन्म से ही भक्ति किया। तुलसीदास जी एकदम यंग उम्र में है। गोपियाँ, जितने सब भक्तों का नाम सुनोगे ना, जो भक्ति किया है सब कम उम्र से ही सबके सब भक्ति किया। बूढ़े होने के लिए कोई भक्ति नहीं किया, बूढ़े हो गए पहले। इसलिए सबके सब 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति किया। इसलिए बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से ही प्रभु का भक्ति करना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चों ने फिर प्रश्न किया, बोले प्रहलाद बचपन से क्यों करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे ना, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, इतने कम उम्र से क्यों करेंगे? तब प्रहलाद कहते हैं, बोले देखो तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड किया है जो इतने साल तक तो तुम जिंदा रहोगे? कहते ना बड़े होने पर कर, कोई गारंटी कार्ड हमारे पास में है? बताओ किसको पास में गारंटी कार्ड है? हमने जो श्वास छोड़ा है, 2 बार श्वास ले पाएंगे कोई बोल सकता है? किसको पास में कोई गारंटी नहीं? पता नहीं निश्वास नहीं वह विश्वास, निश्वास में कोई विश्वास नहीं। कदा रुद्ध भविष्यति, बैठ बैठ करके बस, बैठ बैठ कर कब खत्म हो जाते हैं? जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए हैं। पता नहीं कितने तरह से, किसको पता नहीं किसको किससे फिर किडनैप कर लेते हैं, किसको किसको हाँ उठा करके ले जाते हैं, बड़ों से किसको उठा कर ले गए थे अभी हाँ। इसलिए इसमें कोई ठीक नहीं, ये मृत्यु कब आ जाए कोई ठीक नहीं है। तब बच्चों ने कहा अगर इसी जीवन में नहीं हुआ फिर हम अगली जीवन में भजन करेंगे, दूसरे जीवन में करेंगे। तब बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, देखो बच्चों ये जो मानव शरीर ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं, ये तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवता निह, ये जो भागवत धर्म ये सभी के लिए, हर जीव के लिए ये भागवत धर्म है, हैं? दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ, दुर्लभ होने पर भी अध्रुवम, अध्रुवम मतलब क्या है? मतलब कमल दल जल जीवन अटल मल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर किस समय भी वो पानी गिर सकती है। जीवन तो दुर्लभ है लेकिन कभी भी ये मानव शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन अर्थदम, अर्थदम मतलब है तो नश्वर है लेकिन होने पर भी इसी जीवन में भगवान के हम भजन कर सकते हैं और ठाकुर जी की भक्ति करके हम भगवान तक जा सकते हैं। ठाकुर जी को प्राप्त तो केवल इसी जीवन में ही हम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों क्या करो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। देखो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई ना, देखो क्या एग्जाम्पल दिए। तब उन्होंने ये बताया, बोले देखो आप लोग बताओ जगत में कोई दुख ढूंढ, कोई चाहते हो कोई घर में दुख आए? बोलो बोलो कौन चाहता है घर में दुख आए? हाथ उठाओ, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता घर में दुख आए। देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, ये चीज को गांठ बांध लो, इतने अच्छी बात बताई। जैसे कोई भी संसार में दुख नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं चाहने पर भी बगैर निमंत्रण के घर में दुख आता है कि नहीं? बोलो, बगैर निमंत्रण के घर में दुख आ जाता है कि नहीं? आता है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं अगर बिना बुलाए जैसे दुख आता है, तुम्हारे भाग्य में ललाट में जो लिख गया ना, जो सुख है वो बिना बुलाए भी सुख आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिख गया है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ऑलरेडी उसने लिख दिया है, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ है ना, तुम कहीं भी जाओ अपनी आप तुम्हारे पास में आएगा। पहले सुन रहे थे ना, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। हम पहले कथा सुन रहे थे ना, उसने किसको साथ में लड़ाई करके, बोले मैं देखता हूँ कैसे दाने दाने में खाना लिखा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा तो थोड़ी कोई मुंह में ठूस करके लाएगा। वो जाकर कहा जंगल में पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया नदी किनारा में, लेकिन वहां पर भी आकर के ठोस ठोस करके उसको मुंह में खाना खिलाए।
इसलिए यहाँ प्रहलाद कहते देखो जैसे नहीं बुलाए जैसे दुख आता है, तुम्हारी भाग्य में जो सुख लिख गया ना वो आएगा ही तुम्हारी पास में, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी भाग्य में लिख चुका है, तुमने तुम्हारे जीवन में ये सब चीज़ तुमको मिलने वाले। तो प्रहलाद कहते हैं फिर दिन रात उसी चीज़ के लिए हम क्यों कोशिश करें, दिन रात उसमें क्यों, जो भाग्य में लिखा हो तो आएगा ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे सुख मिलेगा, भगवान की भक्ति से जितना सुख मिलेगा और किसी चीज़ को द्वारा इतना सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए बच्चों ज़्यादा इधर उधर चीज में नहीं लग करके भगवान के भजन में लग पड़ो, भगवान की भजन में लग पड़ो, केवल प्रभु का भजन से ही तुमको जीवन में शांति मिलेगी। एक उन्होंने उदाहरण दिया, देखो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे तुम्हारी अच्छे तरह से समझो, जैसे यहाँ कोई फोड़ा निकल गया है, अगर फोड़ा को अगर ऊपर से अगर मलहम पट्टी करोगे ना, अब देखना वो फोड़ा फिर दूसरे जगह पर निकलेगा, फिर वहाँ मलहम पट्टी कर दो देखना वो फोड़ा फिर तीसरे जगह पर निकलेगा, उसको फिर मलहम पट्टी कर दो फिर चौथा जगह पर निकलेगा, फिर फोड़ा निकलेगा। कारण क्या है, कारण है ये फोड़ा क्यों निकल रहा है, ये जड़ चीज को पकड़ो, फोड़ा इसलिए निकल रहा है तुम्हारा जो ब्लड है ना वो खराब हो गया है। अगर जब तक तुम ब्लड को सही नहीं करोगे, जितने तुम ऊपर से दारू दवा लगाओ एक जगह से दूसरे सारा शरीर से फोड़ा निकलते रहेगी। अगर तुम्हारी ब्लड को अगर सही कर दिया ना, प्योर कर दिया, फिर फोड़ा तो अपने आप बंद हो जाएगा, फोड़ा फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम जड़ से खत्म कर दिया। हाँ, इसलिए प्रहलाद कहते हैं ये सारे दुख का जड़ कहाँ है, जड़ को पकड़ लो, ये सारे दुख का मूल कारण क्या, बोले मूल कारण यही है, बोले कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी दो प्रश्न किया है, पहला प्रश्न है बिना बुलाए दुख क्यों आता है और हम है कौन, ये दो प्रश्न किया था महाप्रभु ने। का जो जीव है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कौन है, ठाकुर का नित्य सेवक, हम भगवान की उनकी संतान है। बोले दुख का कारण क्या है, बोले दुख का यही कारण है चूंकि हम भगवान को भूल गए हैं, इसी वजह से ये दुख कष्ट आता है। फिर जब हम ठाकुर जी के भजन में लग जाएंगे, प्रभु की भक्ति में, दुख को हटाने का जरूरत नहीं, ये दुख अपने आप हट जाएगा। उदाहरण दिया जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप प्रकाश हो जाता है, फिर ये अंधकार को हटाने का जरूरत नहीं, सूरज उदय होगा तो देखना सूरज उगा ही नहीं, उगने से पहले ही प्रकाश हो जाता है, और सूरज उग गया तो पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी तरह जब प्रहलाद कहते बच्चों भगवान की भक्ति में तुम्हें जितने शांति सुख मिलेगा, भगवान की प्रेम से भगवान की भजन अगर करोगे तो अपने आप तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा। हनुमान जी का नाम सुने, अब सुनेंगे दिन रात क्या करते हैं हनुमान बताओ, राम की सेवा करते हैं ना, राम का नाम और राम की सेवा कर रहे हैं, अपना दुख तो गया। कि हनुमान जब नाम सुनावा, महावीर जब नाम सुनावा, भूत पिशाच निकट नहीं आवा। हाँ, इसलिए केवल उनका नाम से, केवल हनुमान जी का नाम से ना ये भूत पिशाच संकट सबके सब दूर हो जाते हैं। संकट मोचन हरि कहते ना, संकट मोचन श्री हनुमान जी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनका संकट मोचन के कारण भगवान की भक्ति से अपना संकट तो गया और दुनिया का संकट को भी हनुमान जी दूर करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा दिया, बोले बच्चों भगवान की भक्ति से ही ये दुख दूर होगा, प्रभु के भक्ति किए बगैर सारा दुनिया जो कुछ कर लो ये दुख जाने वाले नहीं। अब देखना एक दुख आ गया, कोशिश करते हैं ये दुख किसी तरह से हल हो जाए, शांति मिलेगा, दूसरे दुख, एक दुख तो खत्म नहीं, दूसरे दुख के लिए कोशिश करते, फिर तीसरे दुख, जो समुद्र में देखा ना लहरी जैसे आती है, एक बाद में एक को बाद में एक, खत्म नहीं होता है। हाँ, इसलिए यहाँ प्रहलाद का बच्चों भगवान की भक्ति करो, भजन करो, भगवान की भक्ति से भजन से ही सारे दुख तुम्हारी खत्म होगी। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं प्रहलाद तुम्हारी अंदर में इतने शक्ति है, उस राक्षस का बच्चे थे, राक्षस का बच्चे थे, लेकिन प्रहलाद ने ऐसे ज्ञान की बात बताई, ऐसे उनको ज्ञान की बात दिया, एक प्रहलाद था पूरा क्लास को प्रहलाद प्रारंभ कर दिया, सब हो गए प्रहलाद महाराज। बोले प्रहलाद, इतने में प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों कोई बढ़िया चीज खाओ ना, हम दूसरों को कहते देखो वहां पर जो टिक्की बहुत बढ़िया है,
नहीं तो वहाँ गोल गप्पे बहुत बढ़िया मिलता है। कोई बढ़िया अगर कोई खाते हैं ना, कहते हैं ना चलो वहाँ चलो, वहाँ पर पराठा बहुत बढ़िया। दिल्ली में तो पता नहीं पराठा खाने के लिए कितना 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाते हैं पराठा खाने के लिए। क्यों? बढ़िया चीज़ें मिलता है। प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों, अगर कोई बढ़िया चीज़ खाओ ना, अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको खिलानी चाहिए। चलो हम अकेले भजन क्यों करेंगे, सबको भगवान की भजन, हम सबको भजन में लगाएंगे। बोले चलो उठाओ मृदंग बजाओ और मजरा बजाओ, चलो गली गलियों में सबको प्रभु का नाम करेंगे, सबका कान में नाम पड़े, सबका भी कल्याण हो, सबका उद्धार हो। बस प्रहलाद उठाया मृदंग, ऐ गली गलियों में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकश्यप पहले बोल दिया, बोले खबरदार मेरे देश में कोई हरि का नाम नहीं ले सकते, मेरे शत्रु का। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को कान में पड़ा ना, बोले उसका कान खड़ा हो गया, बोले मेरे देश में मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, हे सिपाही देख कर क्या हो तो कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। सिपाही देख करके बोले हे भगवान, ये बीमारी तो बहुत जल्दी फैल रहा है, देखो बड़ोत में फैल गया ना बीमारी। यहाँ पर एक कंठी वाले तिलक वाले आए और सबको तिलक कंठी लगा दिए, हैं ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। बोले बीमारी तो बड़ी तेज बढ़ में बढ़ रही है भैया, पहले से ही ये बीमारी को खत्म करो, नहीं तो ये और आगे बढ़ेगा, ये बीमारी और आगे फैलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिपाही को भेजा। बोले हे भगवान, ये तो सबके सब प्रहलाद बना दिए। इतने में जब उसको मना करने के लिए गए ना, हाथ स्पर्श किया उसको शरीर में, तो 1000 वोल्टेज की, हाँ जो इलेक्ट्रिक होता है ना उसका शरीर में, कृष्ण भक्ति की रस प्रवाहित तो हो रहा था। जब उसको स्पर्श किया ना, इसकी शरीर में भी वो आ गया वो बीमारी, जैसे कोरोना जैसे फैल रहे ना, इसलिए इसकी अंदर में भी भक्ति की भावना आ गया। उन्होंने जब भक्त का है ना, भक्तों बड़ा ताकत है, स्पर्श करते इसकी शरीर में भी भक्ति की भावना आ गई। बोले भैया ठाकुर का नाम में तो बड़ा आनंद है, वो मना क्या करेगा, बोले भैया ये प्याला मैं भी थोड़ा पी लूं, हैं मैं भी पी लूं। उसने भी क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हिरण्यकश्यप देखा भाई ये कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहे, और एक को भेजा वो भी ऐसे डूब झूम गए, और भाई जो जाता है वो तो कोई वापस नहीं आता है। हिरण्यकश्यप स्वयं आ गया, आ करके देखा हे भगवान ये मना क्या करेगा, ये भी तो उनके साथ में पागल बने हैं, ये भी उसी रस में। इतने में हिरण्यकश्यप बड़ा जोर से उन्होंने डांट लगाया, चुप करो मेरे देश में मेरे शत्रु का नाम, बोले प्रहलाद तू ऐसे ढीठ ही है जैसे कुत्ते का पूछ में जितना मन घी लगा दो सीधा कभी होता है, वो सीधा नहीं होता है। उसी तरह पता नहीं विश्व ब्रह्मांड मेरे डर से थर थर कांप रहे हैं, लेकिन तू ऐसे ढीठ निकला है, तू जो मेरे विरोध में जा रहे हो, बताओ तेरे को इतने साहस कहाँ से मिला। बोले पिताजी विश्व ब्रह्मांड में जो ताकत देने वाले साहस देने वाले वही है, आपकी अंदर में भी वही है, इसलिए आप बात कर रहे हो। वो जब शरीर से निकल जाए ना, एक घंटे भी घर में तुम रहने नहीं देगा, घर से निकालेंगे तुमको, निकालो घर से। उसकी कृपा से ही विश्व ब्रह्मांड जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से ही हो रहा है, उसके इच्छा के बगैर जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यही पिताजी हैं। इसलिए उनकी बल में ही सारा दुनिया बलवान है,
लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हो आप हैं, इसलिए उनको बड़ा क्रोध आया। बोले बताओ तेरे हरि कहाँ है? बोले मेरे हरि कहाँ नहीं है, मेरे तो कण कण में मेरे प्रभु विद्यमान। बोले खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है। बांस ठाकुर जी प्रकट हुए, मुष्ट का घात मार तो खंभा फट गया और श्री हिरण्यकश्यप प्रकट हो गए। श्री प्रहलाद कौन प्रकट हो? श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। और कल हम लोगों ने श्रवण किया था कैसे उनको उन्होंने वध किया। ऐसे बोले प्रहलाद ये जो बचपन में 5 साल उम्र में जो भक्ति है, अब देखना 5 साल उम्र का बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको थोड़ी भक्ति भक्ति कुछ पता है, कुछ पता नहीं। लेकिन तू 5 साल उम्र में, इतने कम उम्र में तुमने भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान की भजन किया, इसलिए प्रहलाद तो सबसे बड़ा भक्त है। प्रहलाद बोले मेरे अंदर में कोई भक्ति का भय नहीं, भगवान जो प्रकट हुए ना मेरे वजह से नहीं प्रकट हुए। बोले किसकी वजह से प्रकट हुए? बोले केवल उन्होंने ये हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए, क्योंकि जिस समय चतुसन ने कभी ब्रह्मलोक में भगवान की चरण तुलसी चंदन की खुशबू आई, ये चतुसन की नासिका में प्रवेश करते ही उन्माद हो गई। बोले इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी को पूछे, बोले भगवान की चरण तुलसी और चंदन की। बोले पिताजी जिनकी चरण तुलसी की इतना खुशबू, कितना खुशबू नहीं? बोले हाँ बच्चों वो बड़े प्यारे हैं। बोले दर्शन करने के लिए जाऊँ? जब उन्होंने 6 दरवाजा पार हुए, जब 7वें दरवाजा पर उन्होंने आए, इतने में उनको जय विजय ने रोक दिया। रोक दिया तो चतुसन ने उनका अभिशाप दे दिया। बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए यहाँ रोक ठोके है, ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब क्या है? बोले जहाँ पर कहीं कुंठा धर्म नहीं, जहाँ पर काम क्रोध लोभ जहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर मेरे के लिए रुकावट है, इसलिए हम अभिशाप देते हैं। उन्होंने उनको अभिशाप दे दिए हैं। बोले तुम जो न राक्षस जन्म में जाओ। ठाकुर जी आ गए। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे। बोले कोई चिंता मत करो, अगर जल्दी जल्दी अगर 3 राक्षस बन करके जाओगे ना, शत्रु बन करके 3 जन्मों के बाद में आओगे, अगर भक्त बन करके जाओगे 7 जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी वापस आना चाहते। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। उन्होंने किया, हिरण्यकश्यप हुए पहला, दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र और चौथा में जगाई और माधाई, जगाई माधाई। इसलिए यहाँ प्रहलाद कहते हैं, आप कह रहे हो भगवान मेरे लिए थोड़ी प्रकट हुए, भगवान तो इसलिए प्रकट हुए जय विजय को उद्धार करने के लिए, इसलिए मेरे लिए थोड़ी प्रकट हुए हैं। और बचपन का जो भक्ति है ना, ये बचपन हम कहते ना ये बचपना है, ये बचपन का भक्ति सही भक्ति नहीं है, ये तो बचपना भक्ति है, हैं ये बचपना भक्ति। मेरे अंदर में तो भक्ति की भाव भी नहीं, अगर मेरे अंदर में भक्ति होता तो भक्ति मतलब क्या होता है? भज धातु सेवाया, भज धातु सेवाया, मैंने भगवान को सेवा किया, किया ठाकुर जी प्रकट हुए, मेरे को गोद में थोड़ा बैठा दिया, लाड़ प्यार दे दिया, फिर ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी हैं कहाँ चले गए? मेरे को तो उन्होंने कोई सेवा ही नहीं दिया। भक्ति मतलब होता है सेवा, भक्ति मतलब सेवा, इसलिए मैंने थोड़ी ठाकुर को कोई सेवा किया, कोई सेवा ही नहीं की। क्योंकि जो प्रहलाद ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी मतलब भक्त किया, जो सर्वत्र भगवान की अनुभूति करे, बोले जो सर्वत्र प्रभु की अनुभूति करते हैं, बोले भैया विश्व ब्रह्मांड का तो मालिक हुए हैं, उनको क्या सेवा की जरूरत है? उनकी भावना ये है, वो तो दुनिया की मालिक है, जब सारा दुनिया में कण कण में विद्यमान सबको देने वाले वही, उनकी सेवा की क्या जरूरत है? इसलिए उनको ज्ञानी भक्त बताया गया, इसलिए कहते मैंने ठाकुर को कोई सेवा नहीं कर पाए। हाँ भक्त देखोगे? बोले कौन है? बोले किसकी दया में चले जाओ, हनुमान को देखोगे। किसको देखोगे? हनुमान। हनुमान कैसे हैं? बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अभक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, अलंक जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना,
श्री हनुमान लाल की, बोले श्री बजरंग बली की। देखो फिर हम कल सुनेंगे श्री हनुमान की क्या महिमा है। ठीक है, देखो अभी ये अधिक ये कार्तिक महीना आ रहा है। कोई कोई व्यक्ति एकादशी से शुरू करते हैं, एकादशी से लेकर के एकादशी को समाप्त करते हैं, और कोई कोई जो कार्तिक व्रत को फिर शुरू करते हैं पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक। हमारी हम जो शुरू करेंगे, कुछ कुछ लोग भक्त लोग मठ में आज से शुरू कर दिया है, और कुछ कुछ लोग पूर्णिमा से फिर पूर्णिमा तक करेंगे। हम लोग जो व्रत रखेंगे पूर्णिमा से पूर्णिमा तक व्रत रखेंगे। ये जो व्रत है इसका नाम श्री ऊर्जा व्रत। क्या नाम है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश, तेज है। इसलिए जो मूल जो तेज कौन है? भगवान की जो मूल शक्ति श्री राधा रानी। इसलिए ये कार्तिकेश्वरी श्री राधा रानी, इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। ये राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते। कहते इसी महीना में थोड़ी सी अगर कोई भक्ति कर दिया ना, भगवान रीछ जाते। इसी महीना में ही मैया जसोदा कृष्ण को उखल में बांधा था, इसी महीना में ही भगवान ने रास किया था, गिरिराज उठाया था, इसी महीना में कंस को मार अक्सर करके प्रभु का जितने लीला है ना, इसी महीना में ठाकुर जी की है। इसलिए ये महीना की सबसे बड़ा महत्व इसी महीना की, 12 महीना में इसी महीना की। इसलिए देश विदेश से हमारे वृंदावन में सारे पृथ्वी के लोग आते हैं इसी महीना में परिक्रमा लगाने के लिए। एक महीना तक रहते हैं, कोई डेढ़ महीना दो महीना तक रह करके पूरा के पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। अभी हम लोगों का जो शुरुआत होगी, अभी हम लोग पूर्णिमा से शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग सबके सब कोशिश करना सवेरे जब मंगला आरती में आने के लिए और संध्या आरती में आने के लिए। हम कोशिश करेंगे मंगला आरती में जो दामोदर अष्टक को पाठ करने के लिए। देखो इसी महीना में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, बोले नारद जी ये बताओ, ये रुक्मिणी सत्यभामा ने ऐसे कौन सा कर्म की थी जो कि भगवान की ये पटरानी बने, ठाकुर जी की पटरानी बने? बोले केवल उन्होंने कार्तिक महीना को व्रत किया है। ठाकुर जी को राधा दामोदर व्रत किए और दामोदर अष्टक को पाठ करती थी और ठाकुर जी को दिया जलाया करती थी। इसलिए इसी महीना में तुलसी में दिया देना, जो कि जो दिया जलाता है उसका जीवन भी प्रकाशमय होता है, उसका जीवन उसका वंश भी चिरकाल के लिए रहता है। इसके तो इतने महिमा दीपदान की बताई, इतने हरि भक्ति विलास में कितने कितने श्लोकों को बताए, धन जौवन पुत्र परिवार जो कुछ इसी महीना में माघ ठाकुर जी सब कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं इसी महीना में। और उनकी विशेष करके भगवान जैसे अनंत असीम है, उनको कोई बांध नहीं सकते हैं, जैसे मैया के प्रेम में बंध गए, इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई भक्ति करे भगवान उसका प्रेम में ठाकुर जी बंध जाते हैं, ठाकुर जी बंध जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना किस विशेष करके मंगला आरती में रोज रोज मंगला आरती में आओ। उस समय हम कोशिश करेंगे पूर्णिमा से राधा दामोदर जो अष्टक है उसको पाठ करने के लिए। और शाम को हम ब्रजमंडल की कथा सुनेंगे, जैसे 84 ब्रजमंडल का जो हर भगवान कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लीला की है, ठाकुर का हर लीला कथाओं को कार्तिक महीना में उनकी लीला कथाओं को सुनेंगे और राधा दामोदर व्रत को हम पालन करेंगे। ठीक है ना? और उसी महीना में विशेष करके जो सरसों नहीं खाना, सरसों का तेल को नहीं खाने का, ठीक है? और घिया परवल गाजर सीम बीम बटबटी ये जो ये सब चीज है, और परवल और क्या उड़द का दाल बैंगन हैं, ये सब चीज़ एक महीना तक ये सब चीज़ को नहीं खाना, और सोयाबीन नहीं खाना और टमाटर नहीं खाना हैं, टमाटर भी नहीं खाने का, ठीक है ना? एक महीना कोशिश करना, एक महीना। देखो हम लोग तो 4 महीना तक इसको पालन कर रहे हैं, केवल सरसों का तेल इसको खाते थे सरसों तेल, लेकिन अभी अधिक महीना में नहीं खा रहे थे हम तो, 4 महीना से ये सब चीज़ को नहीं खा रहे। लेकिन आप लोग जो कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे थे कोशिश करना कम से कम एक महीना करने के लिए।
और कार्तिक महीना का जो लास्ट जो दिन है देखो उसको नाम कहते भीष्म पंचकम, उसको क्या कहते हैं भीष्म पंचकम उसको कहते हैं, इसलिए उसका बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन भीष्म पंचक में प्राय करके 4-5 दिन आती हैं, लेकिन जो इसी साल है 6 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 6 दिन, हर साल नहीं आता है, ये 20 साल के बाद में एक बार आ रहा है। जब 6 दिन आता है इसको इतने भाग्यवान मानी जाती हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को जब 6 दिन केवल आएगी, 20 साल के बाद में इस बार आ रहा है। और जगन्नाथ जी का एक विशेष वेश होता है जिसका नागार्जुन वेश है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार करुणा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जगन्नाथ जी का होगा तो वेश होगा, लेकिन दर्शन भक्त लोग शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए 20 साल के बाद में इस बार आ रहे हैं। इतने महिमा इस साल है, इसलिए इस साल की बड़ा महत्व महत्व है। इसलिए कोशिश करना अच्छे तरह से एक महीना कार्तिक व्रत को पालन करने के लिए, और सवेरे शाम 2 टाइम कथा में आना और अड़ोसी पड़ोसी सबों को लेकर के लाना, ठीक है। अभी हमारे चिराग प्रभु जी आज कथा सुनाएंगे। किसका कथा सुनाएंगे? माता माता सबरी कथा सुनाएंगे। और जनार्दन तुम्हें अपराध और प्रथम कथा ये कही हो, ठीक काली कहो, ठीक है जी काली, इनको माइक दे दो। बोलो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे गौरचंद्राय राधिका। आज देखो जितने बच्चे हैं ना इससे सीखो कैसे कथा करनी चाहिए। कृष्णाय ऐसे नहीं कल आओ बैठो और चले जाओ, इससे अनुप्रेरणा मिले, हैं प्रेरणा मिलनी चाहिए। मेरे घर में मेरे माला चली गया, प्रेरणा मिली चाहे, हम भी सब कथा सुनाएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे जितने, सब मन लेकर सुना, और तुम लोग भी कोशिश करना हम भी भगवान की कथा सुनाएंगे। इसे बोलो ध्याय ध्याय दा जानु बाहुं कृत शर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासं वसानं नवकमल दलस्परिधि नेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गरूढ सीता मुखकमलमिल्लल्लोचनं नीरदाभं नानालंकार दित्तं ददत मुरु जटामंडलं रामचंद्रम। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरुदेव श्री पार्षद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौरव परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं एक ऐसे भक्त पर आज बोलूं, एक ऐसे भक्त का चरित्र कहूं, यद्यपि ये सब कुछ श्री महाराज जी का ही दिव्य प्रसाद है, तो इनका प्रसाद मुझ तक और मैं इन्हीं का प्रसाद आप तक पहुंचाऊं। देखिए आप लोग ज्यादातर लोग कभी कभी टीवी सीरियल्स देख लेते होंगे, तो एक टीवी में एक सीरियल आता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब तो शायद नहीं आता है, आता होगा तो उसके साथ कौटिल्य को तो आप जानते ही हो, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है। कौटिल्य महाराज उन्होंने लिखा है तेषां श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणा तेषां आविर कन्या प्रिय गुण कथने नानुभवतार सख्यम तेषां श्रीमद कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरो नैव करणो धिक्तान धिक्तान धिगे तान कथ्यते सततम कीर्तनस्तु मृदंगम। अर्थात जिस व्यक्ति ने श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को नहीं श्रवण किया, जिसने श्री राधा प्रिय कृष्ण के दिव्य चरित्रों को संतों के द्वारा नहीं सुना है,
जैसे कीर्तन में बजता हुआ मृदंग, क्या बोलता है, धिक्तान धिक्तान धिगे तान, तो वह मृदंग बोल रहा है कि ये जिसने ये सब नहीं किया उसको धिक्कार है। महाराज आज माता शबरी जी का दिव्य चरित्र श्री महाराज जी की आज्ञा से मैं कहने जा रहा हूँ, ये साधारण भक्ता नहीं है महाराज, इनका दिव्य प्रेम श्री राम जी के चरणों में, इनकी दिव्य सेवा, अगाध प्रेम, शबरी जी को कौन नहीं जानता महाराज। आधे लोग हम में से तो ऐसे मिलेंगे जिनको रामायण में पात्र साक्षात श्री शबरी जी ही प्रिय लगती होंगी, और रामायण में जिसकी सबसे अच्छी मधुर माधुर्य युक्त लीला है, भगवान की दिव्य लीला जो पूरे रामायण में जो अति मधुरता को प्रकाशित करती है, वह शबरी जी की ही लीला होगी महाराज। ये शबरी जी ऐसी हैं, जब श्री राम जी हर एक जब श्राद्ध होते हैं, पिता का या माता का श्राद्ध, तो राम जी सबसे पहले श्राद्ध कौशल्या जी को या दशरथ जी को नहीं करते, हमेशा पहले श्राद्ध करेंगे गीध का और शबरी जी का। गीध शबरी को करे प्रभु ही श्राद्ध हो, पहले गीध का शबरी जी का श्राद्ध करते हैं, उसके बाद अपने माता कौशल्या का और पिता दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं। एक बार शबरी जी छोटी है, देखो शबरी नाम वास्तव में इनका है नहीं शबरी, शबर जाति में इनका जन्म हुआ है, इस कारण इनका नाम शबरी है। भैया एक बार ये छोटी सी थी, पहले बाल विवाह हो जाया करता था, तो अपनी माता की गोदी में बैठी हुई थी, माता इनके केशों को संवार रही थी, जब केशों को संवार रही थी तो इन्होंने आवाज सुनी तो पूछा, माता ये आवाज किसकी आ रही है, तो इसकी माँ ने कहा, कल तेरी शादी है बेटी, और ये जो आवाज आ रही है ये कैद किए हुए कुछ जानवर हैं जो कि तेरी शादी में कटेंगे, तेरी शादी में इनका हनन होगा और सब लोग इनकी ही दावत करेंगे। शबरी जी के पूर्व संस्कार थे, जब ऐसा सुना कि मेरे कारण इतने जीव की निर्मम जीव की हत्या होगी, तो महाराज शबरी तड़प उठी, रातों रात उन्होंने उसने क्या किया, शबरी जी ने सारे के सारे जो सबके सब जानवर थे उन सबको आजाद किया और शबरी जी भागी अपने घर से। जैसे ही शबरी भागी, केवल एक उद्देश्य, शबरी जी जानती थी कि ये मानव जीवन श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, इस कारण से शबरी जी ने अपने घर का परित्याग किया, केवल राम जी के दर्शन, केवल राम जी की महाराज भक्ति के कारण। जब शबरी जी गई मदन जी के यहाँ, तो महाराज कैसे शबरी जी ने वहां निर्वाह किया, इसकी एक झांकी देखिए। जब मदंग जी के, क्योंकि राम जी क्या है महाराज, राम जी केवल और केवल प्रेम को, यदि कोई जीवन में कोई हमारा कोई प्रेम को, यदि वास्तविक प्रेम को परखने वाला है, तो वो तो हमारे श्री राम जी हैं, श्री गोविंद हैं। प्रेम को हम संसारी लोग नहीं परख सकते, हमने किसी व्यक्ति के 100 कामों में से महाराज 99 कर दिए, और चाहे खूब ही पूरे 100% सही कर दिए होंगे, तो 99 काम ठीक करके यदि एक काम गड़बड़ करी तो वो यही कहेगा तूने किया ही क्या है, वो प्रेम कभी नहीं देखेगा महाराज, क्योंकि प्रेम जगत, यद्यपि जगत में प्रेम ही सारे हैं, परंतु उसको देखने वाले तो श्री भगवान ही हैं। प्रेम के साचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। महाराज शबरी जी गई है कहा मदन मुनि के आश्रम के पास, पहुंच गई मुनि मतंग के देश, पहुंच गई मुनि मतंग के देश, होए कि मैं आश्रम माही प्रवेश, हृदय में नहीं स्वार्थ को लेश, सुमति प्रभु सेवा माही करी, प्रेम के साचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। मदन मुनि जिस आश्रम में विराजमान थे उसी जंगल में शबरी जी आई है, हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही स्वार्थ है, संतों की सेवा से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मैं संतों की सेवा कैसे करूं। महाराज शबरी जी कहाँ रहती थी, नित्य कभी इस वृक्ष के नीचे शबरी जी रहती, कभी उस वृक्ष के नीचे रहती। महाराज शबरी जी की सेवा की झांकी देखी, करे रात रात महाराज
रातों रात वो शबरी जी क्या करती थी, रातों रात रातों रात सेवा करती थी। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर किसी स्त्री का प्रवेश नहीं, और जान करके कि मेरी स्त्री जाती है तो महाराज स्त्री की बड़ी मर्यादा है, इस कारण से रातों ही रात की मैं शबर कुल में हूँ और मेरा मुख कोई महाराज कोई देख नहीं पावे, इस कारण से शबरी जी बड़ी ही छुप छुप के सेवा करती है। और हम लोग महाराज दिखा दिखा के सेवा करते हैं, अगर कुछ कर दिया तो जब तक मैं तो कुछ करता हूँ तो जब तक गुरुदेव मेरी तरफ मुंह नहीं कर लेंगे, वहां उस तरफ मुंह है गुरुदेव का, और जब तक इधर मुंह नहीं कर लेंगे तो वो काम मैं पूरा नहीं कर रहा। जैसे ही मुंह इधर कर लिया गुरुदेव ने, सही वो काम पूरा कर दूंगा कि दिव्या आज ही रात सेवा कर रहे हैं महाराज। हम लोग दिखाते हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, ताकि महाराज वो इम्प्रेशन होता है ना, वो इम्प्रेशन जरूरी है। पर महाराज जिसका श्री कृष्ण चरणारविंदों में भक्ति का एक्सप्रेशन है, ठाकुर जी की तरफ उसी का ही इंप्रेशन है महाराज। तो महाराज कैसे कर दो ना पत्तल तैयार, फूल फल समिधा धरे संहार, रात्रि में पहुंच कुटी के द्वार, वस्तु सब सेवा माही धरी, प्रेम के सांचे पर धनहार, भजुरे मन रघुवर राम हरी। जाती शबरी जी क्या करती, दोने बनाती, और महाराज दोने बना करके कि संतों को दोनों की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी काट करके चुपचाप महाराज फल फूल समिधा इत्यादि इकट्ठी करके सभी संतों के दरवाजों पर रख देती। महाराज जैसे दरवाजों पर रखती, द्वार से भरी भाव भरपूर, उठाकर मुनि चरणन की धूल, लगा अंग अंग से धूल ही धूल, ले संजीवन परम सुख मूरी। महाराज जाती शबरी जी और देखती सबके द्वार बंद है, सब साधन कर रहे हैं, तो महाराज इतनी जल्दी सुबह बहुत जल्दी उठ करके जब ये जाती तो क्या करती, संतों के जो बाहर कमरों के बाहर धूली होती उसको अपने मस्तक से लगाती। महाराज जी भगवान की प्रीति से पहले संत की प्रीति परम आवश्यक है, भगवान को प्रसन्न करने से पहले किसी संत को परम आवश्यक है प्रसन्न करना। तो महाराज सेवा करती और सोचती रहती शबरी जी कि मैं और ऐसा क्या करूं जिससे श्री भगवान प्रसन्न होंगे। तो वो क्या करती, हाथ में सुबह सोहनी धार, हाथ में झाड़ू लेती, रात को 2:30 बजे, हाथ में सुबह सोहनी धार, करे निष्कंटक डगर बुहार। सोचती कि स्नान करने के लिए सारे महर्षि जाएंगे तो कहीं रास्ते में चलेंगे तो कंकर ना पैरों में चुभ जाए, इसलिए शबरी जी चुपचाप रात को महाराज उनका रास्ता साफ कर देते झाड़ू लगा लगा कर। हाथ में सुबह सोहनी धार, करे निष्कंटक डगर बुहार, हो गई सेवा यदि स्वीकार, साधन सब विधि सुफल करी। यदि मेरी सेवा स्वीकार हो गई संतों के चरणों में तो महाराज मेरा साधन सफल हो जाएगा। इस कारण खूब सेवा करती महाराज, काफी दिन बीत गए, महाराज छिप कर सेवा कर रही थी। तो क्या हुआ, कर रही छिप के ऐसी भक्ति, नहीं हो वन पावे अभिव्यक्ति, मिले कैसे प्रभु पद अनुरक्ति, राम पद होवे प्रीति खरी। चुपचाप चुपचाप जाकर के सेवा करना, कैसे मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा, कैसे मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। तो महाराज जी कैसे शबरी जी देखो सेवा करती है, इसकी अनुपम झांकी देखो। वन में रहती नाम शबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, आश्रम प्रवेश करी, लगरिन बोझ धरिया में मन भारी है, नहाई बेको मग झारी, कांकरनी पीन डारी, बेगी उठ जाई नेक देतना लखाई है, उठत सवारे कहे कौन तो बुहार गयो, आयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। महाराज जी उठती शबरी जी सारे के सारा रास्ता को महाराज साफ करती, लकड़ियां बीन करके लाती, सभी आश्रमों के आगे लकड़ियां रख देती कि सुबह उनको समिधा चाहिए होगी हवन के लिए, तो चुपचाप चुपचाप सेवा करती। सारे संत रोज सुबह उठ करके देखते ही सेवा कौन कर जाता है चुपचाप,
महाराज महर्षि मदंग भी चक्कर में पड़ गए कि ये सेवा कौन कर जाता है। मदंग जी को चिंता हुई कि पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन चोर है, कौन सेवा करता है। तो मदंग जी ने अपने आदेश दिया अपने शिष्यों को, कहत को आयो ऐसो चोर को भयो है यहाँ। महाराज कौन चोर है, कौन आकर के चुपचाप सेवा कर रहा है, चोरी कर रहा है ये हमारे पुण्य की, ऐसा कौन है। महाराज कहा उसको वो चोरी कर रहा है तो पकड़ो। कहत को आयो ऐसो चोर करे नित चोरी भोर ही भोर, गहो कब हू बिनु कहे न सोर, रहत नित बैठे पनह पहरी। चुपचाप चुपचाप जाओ और रात को चुपचाप पहरे बंद, पहरी बंद करके आश्रम के इर्द गिर्द रहना, जैसे ही कोई आए तुरंत सूचित करना। महाराज उन्होंने ऐसा ही किया। शिष्य ने पूछा कि महाराज आप चोरी चोरी कह रहे हो। मदन जी को कहा कि आप कह रहे हो चोरी कर रही है, चोरी चोरी कर रहा है कोई। अरे चोरी करने का मतलब तो है हमारी वस्तुओं को लेकर के वो चला जाए, लेकिन वो तो वस्तुएं हमें दे रहा है या दे रही है, चोरी कहाँ हुई है। तो उन्होंने कहा मतंग ऋषि ने कहा, अरे तुम जानते नहीं हो जिसको पता है भजन की क्या पद्धति है, भजन की क्या विशेषता है। भगवान का पद प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त, भगवान के पद को अनुरागित करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह कुछ ना कुछ पुण्य लेगा ही लेगा या लेगी ही लेगी। असल में बात तो ये है कि मदंग जी भी उस दिव्य नारी का दर्शन करना चाहते थे कि जिसकी सेवा में ऐसी महाराज परम निष्ठा थी। तो महाराज उन सब लोगों ने ऐसे ही किया। कहे गुरुवर सब करत विचार, करे जो सेवा सार संभार, पुण्य में होवे साझीदार, ताको मैं दर्शन करूं धरी। भैया जो पुण्य में साझीदार बन रहा है, हमारी तपस्या को ले रहा है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज रात्रि में देखो, रात्रि में सारे के सारे शिष्य ने पहरा लगा दिया, कोई इधर छुप रहा है कोई उधर छुप रहा है। शबरी जी देखो दबे पैर आई है, शबरी जी की झांकी देखिए महाराज, एक पतली सी भील की लड़की महाराज, वस्त्र कैसे, केवल एक ही वस्त्र, वो भी घुटनों से बस थोड़ा सा नीचे, केवल एक ही महाराज वस्त्रों को लेकर के शबरी दबे पैर आ रही है। आई तो बगल में है पत्ता डोना, फल फूल अंचल कोना, कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान है। महाराज जी भावना ऐसी है कि कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं को यदि वार करके शबरी जी के ऊपर फेंक दिया जाए तो भी इनकी सेवा निष्ठा और भजन की बराबरी कौन कर सकता है। समीधा को पोज शीश, सेवा भाव जगदीश, हीरे मोती होवे नहीं इनके समान है, दीनता में सनी जो गावे मनी फनी, जा पर रीझे राम धनी, सर्वेश्वर सुजान है। देखी देखी यह गुरुदेव कहे शिष्यन सो, जानो ना साधारण ये गरीब ही को दान है। ये जो देकर के जा रही है इसको साधारण मत जानो, ये गरीबनी का दान है। महाराज तुम जानते नहीं हो कि इनकी सेवा की निष्ठा क्या है, पता लगाओ कौन है। महाराज उन्होंने क्या किया, जब दबे पैर शबरी आई तो महाराज आकर के जब दबे पैर शबरी जी पहुंची तो इन सब लोगों ने देख लिया। देखा तो महाराज वहां पर आकर के क्या करती शबरी जी, देखो शबरी जी चुपचाप 2:30 बजे आती और 2:30 लगभग इतने बजे वहां पर पहुंचती, और पहुंचती तो दबे पैर, क्यों, ताकि उसको पता है कि सुबह सुबह उठ करके साधन कर रहे हैं लोग, संत कभी सुबह लेट तक नहीं होते। महाराज हमारे जैसे तो सुबह तक लेट उठते आराम से, मंगलाचरण चल रही है, महाराज वो दौड़ रहा है, महाराज बिल्कुल सेवा में कोई जिसकी प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसे हम लोग। लेकिन संत लोग महाराज नींद नहीं लेते, परक्षण महाराज प्रतिक्षण श्री भगवान, जो सांसारिक लोग हैं वह रात को लेट तक, लेकिन संत रात को जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठना उनको। हमारे जैसे नहीं है कि महाराज सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, जब नींद आने लगती है बैठे बैठे भजन में, तो संत लोग कहते हैं
नींद आती है तो निद्रा रानी को संत कहते हैं। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो, जा घर राम भजन ना हो। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना हो। चार पहर धंधे में बीता, चार पहर रही सो, और एक घड़ी हरि नाम ना लीनो, मुक्ति कहाँ से होए। हाँ, एक घड़ी हरि नाम ना लीनो, मुक्ति कहाँ से होए। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना हो। महाराज, उठता कौन कौन है और सोता कौन कौन है? के कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर। कोई रोगी हो वो उठता है, भोगी हो रात तक वो उठता है महाराज, और कोई चोर हो वो जगता है, और कौन जगता है? और के जागे, और के कोई जागे साधु संत, जागी लगी राम संग डोर। हाँ, के जागे कोई साधु संत, जागी लगी राम संग डोर। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना होए। निंदिया वाही घर तुम जइयो, जा घर राम भजन ना होए। महाराज शबरी को पकड़ लिया तुरंत। शबरी को जैसे ही पकड़ा, शबरी घबरा गई महाराज। पर जैसे ही घबराई, मदन मुनि ले कुटिया से बाहर आ गए। मदन मुनि ने कहा, छोड़ दो इसको, बिल्कुल भी इसको स्पर्श नहीं करना कोई भी, तुम जानते नहीं हो ये साधारण नहीं है। कुटी से निकले श्री मलंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। कुटी से निकले श्री मलंग, प्रेम से पुलकित जिनके अंग। को मत करियो या को तंग, रंग में जाए न भंग परी। प्रेम के साचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। इसको तंग मत करो, जो सेवा से इसको दिव्य स्वाद आ रहा है उसमें भंग मत डालो। महाराज मदंग ने पूछा शबरी से, शबरी को छोड़ा है उन संतों ने और मदंग पास आए हैं शबरी जी के। शबरी जी ने दंडवत होकर के प्रणाम किया है। महाराज मदंग ने, श्री मदंग जी ने पूछा है शबरी जी से, कौन तेरो गांव यहाँ रहो, कौन ठाम बेटी। तुम्हारा गांव कौन सा है, यहाँ पे कहाँ रहती हो? कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे, कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे। तेरा नाम क्या है, सारा विवरण बता दे, तू कौन है? कौन की सलाह गई, सेवा की राह कैसी, कैसी मन में है चाह, सब खोल के बता दे। इतनी सेवा जो तू रोज कर रही है, क्या कारण है उस सेवा करने का, मुझे सारी बातें बता। करो 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 जमी सोच कहो त्याग, परम संकोच यहाँ आई अब कैसे, सब ही भेद समझाए दे। सोच मत करो, बिना संकोच करके बताओ कि यहाँ पे क्यों आई हो, क्या भेद है तुम्हारे आने का। आति हूँ प्रसन्न देख, भाव ये प्रपन्न तेरो, तज के चिंता ये गंभीर, मेरी चिंता मिटाए दे। मैं तेरे दिव्य प्रेम से खुश हो गया हूँ, बता तू कौन है? मैं चिंतित हूँ कि तू ये क्यों कर रही है, तू ये बता कि क्या कारण है तेरे इतनी सेवा से। महाराज जी, शबरी घबराती हुई बोली, क्या बोलना चाहिए व्यक्ति को, शबरी जी ने क्या कहा देखो। शबर की बेटी रही, पाप में लपेटे बड़े, बड़े भाग्यन से भेटी ऐसे संत के चरण। मैं शबर कुल में हूँ, शबर कुल की बेटी हूँ। महाराज मेरे पिता ने मुझे मेरी शादी के लिए इतने सारे महाराज जानवरों को कैद कर रखा था, उन सबके प्राण बचाने के लिए
मैं भागी हूँ। जैसे ही सुना मदन जी गदगद हो गए और पाप पूर्ण ब्याह के प्रस्ताव से डराए आई आई घर से पलाए, अब तो आपकी शरण। मैं घर से भाग आई हूँ, अब तो मैं केवल आपकी शरण हूँ प्रभु, अब मुझे शरण दीजिए। गांव अति दूर भयो ही चूर चूर करूं करूं सेवा दूर दूर क्योंकि अंतज वरण। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे केवल और केवल श्री राम के दर्शन चाहिए, केवल और केवल प्रभु में प्रीति चाहिए, भगवान के चरण कमलों में प्रीति के लिए ही मैं ये सेवा कर रही हूँ। महाराज सेवा की कैसी अद्भुत झांकी है उनकी, सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, यह शबरी ये केवल आधा, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है इस कारण से मैंने आधा ही इसको प्रिपेयर किया है। आधा चैप्टर हम लोग कल सुनेंगे महाराज, वांछा कर्म करेंगे कृपा से भले से वृंदावन बिहारी लाल की, भले से सबरी देवी की जय, एकादशी तिथि की। कल पारणी कितने बजे? 10 बजे तक, उसमें सूर्योदय के बाद में 10 बजे के अंदर में। अब एकादशी का दिन जो चीज ग्रहण नहीं किया ठाकुर भोग लगा कर उसको ग्रहण करना। हाँ जगन्नाथ जी, हाँ अगर मंगला यहाँ आओगे तो जगन्नाथ का प्रसाद मिलेगा, कथा में अगर आओगे ठीक है। ये संजीत कहाँ गया? हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ अब लोग कार्तिक महीना में जैसे इस बार तो हमारा हर साल एक महीना 10 दिन तक परिक्रमा ब्रजमंडल करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जैसे विदेश से फ्लाइट नहीं आ रहा है, विदेश से भक्त लोग आते थे, फिर बंगाल से बहुत भक्त लोग आते थे जो परिक्रमा होता था, लेकिन इस बार लास्ट जो 10 दिन है हाँ परिक्रमा का, जो लास्ट जो 21 से लेकर के 30 तारीख तक 10 दिन परिक्रमा होगा, उसके अंदर में कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके गिरिराज गोवर्धन मठ से परिक्रमा हम लोग वहीं से करेंगे, जिसकी संभव हो सके 10 दिन करने के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन जिनकी संभव नहीं होएगा यहाँ से हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी प्रेमचंद प्रभु जी ये सब मिल करके यहाँ से एक बस नहीं तो 2 बस जितने भक्त लोग होंगे इनको ले करके श्री गिरिराज गोवर्धन आएंगे, एक दिन के लिए आ जाना गिरिराज की, हो सके गिरिराज की आधी जो छोटी जो परिक्रमा जो राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा लगा लेना, अगर ज़्यादा समय हो गया तो फिर बरसाना हैं बरसाना दर्शन करेंगे प्रभु जी। हाँ 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 इसलिए फिर गिरिराज गोवर्धन आधी परिक्रमा छोटी सी परिक्रमा कर लेना देख करके, फिर उसके बाद में फिर बरसाना होते हुए राधा रानी को दर्शन करके फिर बढ़ो तो जिस दिन जाओगे उस दिन फिर बढ़ो तो में वापस आ जाओगे, और साथ में भोजन पानी ले आना, फिर वहाँ भोजन की फिर कोई ये नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी हैं, पराठा बढ़िया पराठा बना के ले आना ठीक है। हाँ हाँ चूरमा हाँ दाल बाटी चूरमा, इसलिए आप लोग फिर बना करके ले आना, फिर परिक्रमा करके और बरसना दर्शन करके फिर इधर फिर वापस इधर आ जाना, इसलिए पहले आप लोग नाम दे देना कितना भक्त लोग होंगे हैं, जो कार्तिक महीना में
गिरिराज परिक्रमा करना, दर्शन करना, राधा कुंड में स्नान आचमन लेना, फिर बरसाना धाम दर्शन करना, ये बड़े भाग्य की बात है। ये बहुत बहुत भाग्य से पृथ्वी के लोग आते हैं, लेकिन इस बार तो आप लोग घर का पास में जल्दी जल्दी अगर यहाँ से निकल जाओगे, सवेरे सवेरे वहाँ पहुँच जाओगे, है ना। क्या है जैसे सवेरे सवेरे प्रभु जी, अगर रात को यहाँ रात को अगर निकलोगे सवेरे सवेरे वहाँ पहुँच जाओगे, हाँ पहुँच जा कर वहाँ पर मंदिर में स्नान कर लेना, मंदिर में स्नान करके रास्ता में जाते समय सो जाना, गाड़ी में सो जाना एक दिन के लिए, और क्या, इसलिए गाड़ी में सो जाना और सवेरे उठ करके वहाँ नहा धो लेना और साथ में प्रसाद ले आना, प्रसाद खा लेना और छोटी परिक्रमा गिरिराज की, मैं वहाँ पर रहूँगा, देखूँगा कौन सा दिन होगा तो एक साथ में सब परिक्रमा कर लेंगे, मैं वहीं पर मिलूँगा उन लोगों को, छोटी परिक्रमा कर लेंगे, करके फिर दोपहर में खा प्रसाद पा कर इतना प्रसाद लाना दो तीन टाइम के लिए ले आना, हम मेरे लिए भी थोड़ा ले आना, इसलिए अपना लिए ले आना, ऐसे ला करके पूरा प्रसाद पा करके अपना, फिर वहीं से फिर आप लोग फिर बरसाना राधा रानी को दर्शन करके फिर बड़ौदा में वापस आ जाना, ठीक है। बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
राधा गोविंद गोपीनाथ हनुमान जी की जय। राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मंदिर की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त तुलसीदेव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ हनुमान जी की जय। राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मंदिर की जय। सर्वविष्ट प्रताप गिरिराज महाराज की जय।